हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा टाइम देके हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। तो मेरा यही काम है और ये है फेसियल रेजर। जो मैं एक ब्राइड आई थी, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर था, तो अगर वो वैक्स नहीं करा पाई हैं तो सबसे आसान और जल्दी वाला ट्रीटमेंट यही है कि फेसियल रेज़र से आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले फेस पे हमें ऑयल लगाना है, कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइज़र, बहुत थोप के, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के, देन उसके बाद फेसियल रेज़र चलाना। और उसका भी एक तरीका है, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग सा एक वीडियो इसके बना दूँगी, आपको बताऊँगी कि कैसे बनाते हैं। अगर नेक आप जो भी कमेंट करेगा, अगर मुझे 10 या 12 कमेंट आया इसका कि आप इस पर एक सिंगल वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर से इसको अपने फेस पे फेसियल रेज़र यूज़ करके दिखाऊंगी। और ये बन रहा था फ्लावर, जो बनेगा ना ब्राइडल का, उसके लिए फ्लावर, मतलब नेचुरल फ्लावर का हम लोग बन बनाने के लिए इस तरह से फ्लावर को टक करते हैं। इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर सकती हूँ। आप लोग को जो जो जानकारियाँ चाहिए कमेंट पे आप लोग मुझे लिखिए, मैं पक्का से वीडियो अपलोड करूँगी। तो फाइनली सारा हो गया था, अब मैं इनका मेकअप स्टार्ट कर दी हूँ। तो थोड़ा सा थ्रेडिंग का बाल बड़ा हुआ था तो मैंने सीजर से काट दिया। देन इनके आंखों पे सबसे पहले हमने कंसीलर अप्लाई किया, वो भी वाइट कलर में था, मतलब स्किन कलर से थोड़ा डार्क था। देन उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडर जो है हमें पानी में पहले भिगो देना, और भिगोने के बाद उसका पानी अच्छे से निचोड़ के उसे टॉवल में सोक करा के फिर आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। उसके बाद इसे सेट करने के लिए हमें कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर ठंड में और गर्मी में हमें लूज पाउडर। तो और भी बहुत सारे मेरे पास टिप्स है, मेकअप कैसे किया जाता है, कैसे अच्छा रहेगा, कैसे फ्लॉलेस दिखेगा, हर चीज़ का मैं वीडियो बना सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो आप बस कमेंट करके मुझे बोलिए, मैं पक्का से आप सबके लिए एक एक वीडियो बनाऊँगी, एक एक चीज़ पर बनाऊँगी। तो मेरा यही अभी काम है, मैं यही सीख रही हूँ। जल्दी ही अपना खुद का एक पार्लर ओपन करूँगी, बहुत सपना था मेरा बचपन से, मैं बहुत मेकअप की शौकीन थी। तो आज जाके मेरा सपना पूरा हुआ, वो भी मेरे हस्बैंड पूरा कर रहे हैं। सच में मतलब लकी हूँ कि उन्होंने मुझे ये इतनी, मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, कि मुझे साथ दे रहे हैं कि हाँ तुम कर लो, और मुझे भी करना है, मेरा भी लगन है इस चीज़ में, मन है, तो मैं कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग आई शेडो मैंने लगा दिया था, ब्लेंड कर रही थी, ब्लेंड थोड़ा सा मुझे गड़बड़ हो रहा था, तो एक हेल्प करने के लिए एक फ्रेंड है पार्लर में, वो आ गई मेरे हेल्प करने के लिए। और देन उसके बाद हम हाथ से जो ग्लिटर टाइप का होता है उसको हाथ से ही लगा रही थी, उसके बाद हमें अप्लाई करना है। फिर उसके मैंने साइड में ना ब्लैक कलर का अप्लाई किया था, इसके भी वीडियो बना सकती हूँ। जिसे जो जो जानना है मुझे कमेंट कर सकता है, मैं हर एक एक चीज़ पे वीडियो बना के आप सबके लिए अपलोड कर दूँगी। आप सबको जानकारी देना मेरा काम है, मैं इसीलिए सीख रही हूँ ताकि सभी को ज्ञान, मतलब जानकारी दे सकूँ, सभी को हर चीज़ बता सकूँ। और ब्लॉग भी इसीलिए बनाती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ, आप सबसे बातें करती हूँ, लाइव भी आती हूँ आप सबके लिए। तो यही मेरा मोटिव है कि मैं आप सबको हर चीज़ बताऊँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं चीज़ें छिपा के रखूँ, हर चीज़ बताना, समझाना हमारा कर्तव्य बनता है, हर किसी को ये कर्तव्य निभाना चाहिए। सो यही मेरा काम है। उसके बाद आईलाइनर लगा रही थी, जो मेरा फेवरेट काम है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं आईलाइनर लगाने के लिए अपनी फैमिली में, मुझे लगता है कि हर कोई मेरे से आईलाइनर लगवाना चाहता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगाती हूँ, लेकिन ब्राइडल पे लगाने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसके बाद हम अप्लाई कर दिए हैं प्राइमर। प्राइमर हमें मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही अप्लाई करना था, बट मैं थोड़ा भूल गई थी, तो बाद में मैंने अप्लाई कर दिया, मेकअप नहीं हटा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छे से स्किन मिला देना है। देन ये छोटा छोटा बाल जो था ना, एक आध बाल छूट गया था फेस पे, तो वही मैं हटा रही थी। और इसे अच्छे से हमें मिलाना है, और कहीं कहीं जहाँ बाहर ज़्यादा दिख रहा था मुझे, वो मैं क्लीन कर रही थी हाथों से कि अच्छे से क्लीन हो जाए। और सच में मैं बताऊँ, मैं
मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा फेवरेट काम, और ये है बेस जो हम बेस प्लेट में बना रहे हैं, जो हमें अप्लाई करना है। तो बेस में क्या क्या डाला है, क्या मिलाया है, कौन से ब्रांड का मिलाया है चीज़ें, क्या बेस रेडी की हूँ, ये सारी जानकारी मैं दूंगी। लेकिन मुझे कमेंट आने पर दूंगी, ऐसे नहीं देने वाली मैं कुछ भी। तो बेस अप्लाई कर दिया हमने फेस पे, और इसे हम अच्छे से ब्लेंडिंग सारी जगह हमें अप्लाई कर देना है अच्छे से। उसके बाद जो स्पॉन्ज से हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है, और उसके बाद अच्छे से मतलब उधर थ्रेडिंग भी बन रहा था, एक दीदी आई थी थ्रेडिंग बनवाने, तो उनका थ्रेडिंग भी बन रहा था। और आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा मेकअप है, तो अभी मेकअप होने के बाद ये सारा मेकअप एकदम छिप जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ये स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है, सोचिए इसके अंदर इतनी शक्ति है। तो हमने सारा अच्छे से मिलाना है धीरे धीरे, जो आप स्पॉन्ज लिए हैं ना उसे धीरे धीरे उससे हमें मिलाना है, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करना है। अगर जल्दी जल्दी आप करेंगे ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मींस कि सारा हटने लगेगा ये ब्लेंड होने की जगह। तो हमें इसी तरह से सब अच्छे से ब्लेंड करना है, और ये थोड़ा मेरा हेल्प कर रही थी कहीं कहीं जहाँ मैं गड़बड़ कर रही थी, तो ये मुझे थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। तो ये हमने कंटूर लगाया था, कंटूर लगाने के बाद हमें अच्छे से मतलब उसे मिलाना भी होता है पफ से, तो हम मिलके दोनों जने मिला रहे थे। तो मैं नीचे भी ऐसे शेप देना होता है फेस का, अगर ज़्यादा पतला है तो उसका भी अलग तरीका है, ज़्यादा मोटा है तो उसका भी अलग तरीका है कंटूर करने का। तो सारी चीज़ें कंटूर कर रहे थे हम लोग, और कहाँ कहाँ कंटूर किया जाता है ये सब भी हमें बता दिया गया है, हमें पता है। तो फिर आ गई थी मैम, और मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि मैं ब्लश कहाँ अप्लाई करूँ। तो जैसे खुद मेकअप करती हूँ तो मुझे आइडिया है, लेकिन अब किसी को यार रेडी करना है तो थोड़ा डर तो लगता है सभी को, तो मुझे पर्सनली डर लग रहा था। तो मैं जो हमारी हेड है मैम, उनसे मैंने बोला कि मैम प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो उन्होंने हेल्प किया, और फिर हमें ब्लेंडिंग से ब्लेंडर जो पफ था उससे हमें ब्लेंड करना था अच्छे से नीचे। उसका भी एक अलग तरीका होता है कैसे करना है, किस मतलब ऊपर साइड में करना होता है या नीचे साइड में उसको ब्लेंड करना होता है, हर चीज़ का तरीका है मेकअप में। लोगों को आता तो है बट स्टेप वाइज और कैसे कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता है। तो ये इनका फ़ोन आ गया था, इनके होने वाले हस्बैंड का या दीदी का। तो सारा मेकअप जब अप्लाई हो गया तो उसके बाद हमें जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसे हमें सेट करना होता है। देन इसके बाद आईब्रो फिल करना था मुझे, और आईब्रो फिल करने में भी बहुत डर लगता है, कभी मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो पहले किस कलर का आईब्रो फिल करना होता है, पहले ब्लैक लगेगा या ब्राउन लगेगा या ब्लू लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें बताया गया है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और अगर कहीं हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है कि तो किस चीज़ से आप रिमूव कर सकते हैं कि बिना पुते आपका रिमूव भी हो जाए और आपको पता भी ना चले, तो ऐसा कुछ हमें सब चीज़ बताया गया है, सिखाया गया है। और हमारी जो टीचर है ना, सच में ऑसम लेडी हैं, मतलब हर प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको बता के भेजा हुआ है, हर प्रॉब्लम का सलूशन उनके पास होता है। मेकअप भी हम लोगों को इतने अच्छे से गाइड करती हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। थैंक्सफुल हूँ उस बंदी का जिसने हमें बताया, और थैंक्सफुल हूँ भगवान का जो हमें इतना अच्छा पार्लर और इतनी अच्छी मैडम मतलब मिली हमें, जो इतना सपोर्ट करती हैं, इतना ध्यान देती हैं हम सब पे। सच में कहीं और ऐसा होता तो बिल्कुल भी इतना केयर करके, इतना ध्यान देके, और इतनी जल्दी तो मुझे ब्राइड रेडी करने के लिए दे दिया इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा मतलब तजुब की बात है ना। तो उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ग्लिटर लगाना होता है ऊपर साइन करने के लिए, आपके पास अगर सिल्वर कलर का ग्लिटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे, बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए मैं लगा रही थी।
और इसका फोटो अगर आपको देखना है तो मेरे नए इंस्टाग्राम आईडी है मेरा वान्य _ ब्यूटी पार्लर करके, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरा न्यू आईडी है ब्यूटी पार्लर का, तो वहाँ पे मैंने अपलोड किया है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा वही सिल्वर वाला अप्लाई करना था, अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे मैम ने बताया था वैसे वैसे किया, और उसके बाद यहाँ पे हाइलाइटर करना था हमें। यहाँ पे हाइलाइटर तो बहुत अच्छा लगता है सच में, ब्लश होता है, ब्लश के ऊपर हाइलाइटर होता है। पहले तो मुझे लगता है हाइलाइटर का कोई ऐसा चलन नहीं था, बट अभी तो हाइलाइटर हर कलर में आने लगा है, सिल्वर कलर, पिंक कलर, रोज़ गोल्ड कलर और गोल्डन कलर, हर कलर का, मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पास तो धानी कलर का भी है, मतलब ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का है हाइलाइटर। उसके बाद हमें नोज़ पे भी हाइलाइट करना होता है, लिप्स के ऊपर हाइलाइट करना होता है इस तरह से ब्रश के हेल्प से। और पूरा आप डिप करेंगे ना तो पूरा ही आपको अप्लाई नहीं करना, थोड़ा झाड़ के अप्लाई करिए। उसके बाद हमने लिपस्टिक का पैलेट उठाया, देन हम लिप लाइनर जो होता है उससे हम पहले ड्रॉ कर लेंगे लिप को, देन हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक कोई भी जो भी सूट करे। तो इससे क्या होता है कि आपका ख़राब नहीं होगा लिपस्टिक, आप जब अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से इसका रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो हमारा लिप लाइनर अप्लाई हो चुका था, मैं ब्राइडल को लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी पैलेट से ही। तो ये बहुत ही अच्छा लिपस्टिक का पैलेट है, ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, बहुत अच्छा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इसका। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने कम दाम में इतना ज़्यादा लिपस्टिक, और इससे आप सेट भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेट नहीं बना सकते हैं। तो मुझे कुछ हंसा रही थी मेरी जो दोस्त लोग हैं पार्लर में वो लोग, और ये जो बंदी थी ना ये भी बहुत अच्छी थी, इतने अच्छे से मेरे से तैयार हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस दिन ही मैं महाशिवरात्रि के एक दिन का पहले का वीडियो है ये, मैं गई थी बाबू भोलेनाथ जी का दर्शन करने। भोलेनाथ जी का दर्शन करने के बाद आने के बाद मुझे इतना बड़ा, मतलब भाभी ने सरप्राइज़ दिया कि आज आपको अकेले ब्राइडल रेडी करना है। मेरी तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था और मुझे डर का भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं अकेले कैसे करूँगी। भाभी बोली आप सब कर लेंगे, आप करना स्टार्ट करिए, जहाँ गड़बड़ होगा मुझे बुलाइएगा। लेकिन कहिए तो कहीं नहीं गड़बड़ हुआ, थोड़ा भाभी ने हेल्प कर दिया, थोड़ा जो वहाँ फ्रेंड लोग हैं उन लोगों ने गाइड कर दिया, तो सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से कर ली हूँ। उसके बाद हम काजल अप्लाई कर रहे थे, काजल अप्लाई करने के बाद हमने ब्रश जो है ब्रश से ब्लेंड कर दिया था, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर मेकअप मैंने कर दिया। और जो फाउंडेशन अप्लाई हुआ था तो आप कहेंगे कि अरे फाउंडेशन तो पता ही नहीं चल रहा है, तो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है स्किन, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये था वन जो हम नेचुरल वन बनाते हैं जो हमें बहुत पसंद है, तो ये भाभी ने ही हमें सिखाया, जो हमारी मास्टर है, मतलब जो हमारी टीचर है। तो वीडियो अच्छी लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना है पार्लर में कैसे होता है, क्या क्या बेस बनाते हैं, आईलाइनर कैसे लगाते हैं, आई शेडो का कौन सा मैंने इनको शेड लगाया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। लेकिन आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और लाइव आती हूँ तो लाइव में भी आया करिए, मैं कभी कभी पार्लर पर भी अपने लाइव आ जाती हूँ, तो आप सबको दिखाऊँगी कि हम लोग पार्लर पर क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या हमें बताया जा रहा है। डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, करूँगी पार्लर का। तो फाइनली मैंने दुल्हन को ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें लगा दी थी, उनके बाल मतलब उनके गले में पहना दिया था, और अब बन बनाई और रेडी हो गई। बाय बाय।